की वजह से हमें वोट का अधिकार मिला है और इस वोट के अधिकार को प्राप्त करने के बाद भी क्या कारण है कि हम शासक नहीं बन पाए। तो मैं इसको याद करते हुए निर्वाचन आयोग का एक विज्ञापन आता उसकी तरफ थोड़ा संकेत आपको देना चाहूंगा। वो विज्ञापन की जो वर्डिंग है उसके जो शब्द है वो ये है कि जो लोग वोट नहीं डालते वो फफू बनते हैं। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है, लोकतंत्र के लिए वोट डालना आपका हक है और बाबा साहब ने कहा है जिस दिन चुनाव का दिन उस दिन उत्सव बनाइए। अगर आपके लिए कोई उत्सव है कोई त्योहार है तो वो त्योहार वो दिन है जिस दिन चुनाव होता है, क्योंकि उस दिन आप ये मुकरण करते हो कि आपका शासक कौन बनता है। लेकिन इसकी जो लिमिटेशंस है, वोट का अधिकार तो मिल गया है, कम से कम कप्पू नहीं बने हैं, लेकिन वोट के अधिकार से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। मैं ऐसा कहता हूं वो इसलिए क्योंकि वोट का अधिकार तो एक पहला पायदान है लोकतंत्र के लिए, तो लगातार आपको बात करनी पड़ेगी, अपने राइट्स की पहचान करनी पड़ेगी। अब आप देखिए कि वोट के अधिकार से कुछ लोगों को हम संसद में भेजते हैं, वही लोग हमारे सिर पर बैठ जाते हैं, सत्ताधारी का चरित्र बनकर आते हैं और वोट लेने के लिए उन्होंने बहुत सारे हमसे वादे किए हैं और वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो अब इस तरह से हमें लोकतंत्र को समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र का पहला पायदान वोट डालना है, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपको हर कल हर मिनट हर क्षण चलाना पड़ेगा अधिकारों की, और आपको अधिकारों की लगातार अपने पहचान रखनी पड़ेगी। इसलिए लोकतंत्र एक तरह से चलाने का नाम, अपने अधिकारों के चलाने का नाम। मैं दुष्यंत कुमार की एक छोटी सी पंक्ति आपसे शेयर करूं कि आप हमारे यहाँ जो भारत बना है वो कैसा भारत बना है। दुष्यंत कुमार की पंक्तियों से पहले हमारे यहाँ एक हिंदी कविता में बड़े कवि हुए ढुमिल, उन्होंने कहा है कि जो भारत का संसद है वो केले की वह कहानी है जिसमें राजा तेन और आलम बनी। तो इसलिए हमारे यहाँ जो संसद है वो उसमें है कि जहाँ पर हम चुनकर लोगों को भेजते हैं ताकि वो हमारे अधिकारों की हिफाजत करें, अधिकारों को दिलाने में मदद करें, पर वही तो यूटर्न रहते हैं। दुष्यंत कुमार ने कुछ पंक्तियों में कहा है, कल नुमाइश में मिला वो चीटड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला भारत में, मुझ पे रहते हैं करोड़ों लोग चुप, कैसे रहूं, हर गजल अब संकल्प के नाम पर एक बयान। इसलिए लोकतंत्र में जो लोग चुप है असल में वो लोकतंत्र के कोड है, उनको लोकतंत्र में रहने की तमीज पता है। लोकतंत्र में रहना है तो आपको बोलना पड़ेगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए क्या वो बलिदान देना, और इसलिए शासक बनने के लिए सबसे बड़ी पहचान है कि आप कितने बड़े जागरूक हैं, उस बात की कसौटी आपके लिए होगी उतने आप शासक बने। यदि आपको पहचान नहीं है दुश्मन की, यदि अपने अधिकारों की आपको पहचान नहीं है तो आप शासक कभी नहीं बन सकते। मैं सबसे बड़ा जो शासक बनने की जो रुकावट है उसकी अगर मैं पहचान करता हूं तो पहचान इस रूप में करता हूं, शासक बनने के लिए रुकावट का पहला पक्ष है सांस्कृतिक गुलामी। आप देखो कि जो ब्राह्मणवाद है वो अपने ज्ञान के बल पर इतना ताकतवर नहीं बना है जितना बहुजनों के लोग के अज्ञान पर टिका, और इनकी जो संस्कृति है वो इनके धर्मशास्त्रों से उनका जन्म हुआ है। ये जो धर्मशास्त्र है सारे के सारे अहले डाले हैं, चमत्कारी घटनाएं हैं, और नासा के लोग बहुत इन पर हंसते हैं जहां पर इनको ये पता लगता है कि भारत में ब्राह्मण को 51 रुपए देने से ग्रह नक्षत्रों की चाल बदल जाती है। तो नासा के लगाते हैं और ये सारा जो इनका कुचित्र है इनके धर्मशास्त्रों का, इनके धर्मशास्त्रों में पूरी की पूरी गुलामी है। एक तरह से ब्राह्मण को एक क्लीन चिट मिल जाती है इन धर्मशास्त्रों से ताकि वो झूठ के बल पर हमसे शासन करे। इसलिए पहला अगर शासक बनने की पहचान आपको करनी है इनके धर्मशास्त्रों का पर्दाफाश कर दीजिए।
और इनके से जो गुलामी हम पर आ रही है उस गुलामी को खत्म कर दीजिए। ये पहला सिद्धांत मैं मानता हूँ। और दूसरा सिद्धांत है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर पल में आपको रास्ता देने की कोशिश करेगा, पहचान देने की कोशिश करेगा। और जिसको हम पूरे अम्बेडकरवादी सिद्धांत कहते हैं, असल में वो वैज्ञानिक सिद्धांत है, वो मानवीय सिद्धांत है। और उसके बंधों के विश्व को एक खूबसूरत विश्व हम बना सकते हैं। इसलिए हम सबको पास दो रास्ते हैं, एक तरफ अंधविश्वास का रास्ता है और एक तरफ वैज्ञानिक का रास्ता है। अब मंदिर नहीं चाहिए, संसद चाहिए। अब मंदिर नहीं चाहिए, शिक्षालय चाहिए। भारत का अगर वो करें कि जितने मंदिर नहीं बने हैं उतने विद्यालय नहीं बने, ये अपने आप में ट्रेजिक काम आ रही है। अब जहाँ विद्यालय की हमें जरूरत है तो वहाँ मंदिर की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शिक्षालय से ही कोई किसी व्यक्ति को हम संस्कार देते हैं, उस व्यक्ति को सभ्य बनाते और नागरिक बनाते। और तीसरी बात, मैं शासक बनने के जो रुकावट है संक्षिप्त रूप से कहना चाहूँगा, आपका सबसे बड़ा जो बदमाश आदमी है उसकी पहचान हमें करनी है। उसका नाम आपको मैं बता सकता हूँ, उसका नाम है मीडिया। ये मीडिया जो खबरें हम सबको परोस रहा है तथा कथित मेनस्ट्रीम मीडिया, ये सबसे बड़ी गुलामी हम सब पैदा करता है। ये मेनस्ट्रीम मीडिया किसका प्रचार कर रहा है, क्या हमें जगाने की कोशिश कर रहा है। मैं एक गुजारिश आप सबसे करूंगा कि आप इनका मेनस्ट्रीम मीडिया देखना बंद कर दीजिए, पढ़ना बंद कर दीजिए। और अब उससे मुक्त होने का अवसर आ गया है। अब इनकी टीआरपी मत बढ़ाइए, इनके चैनल्स को देखना बंद कर दीजिए, उनमें सारी गुलामी भरी पड़ी। अब अगर देखना है तो आप यूट्यूब पे हमारे जो नेता है और हमारे चैनल्स है उनको देखना आरंभ कीजिए। और आप सोशल मीडिया को मजबूत कीजिए। अब हर आदमी पत्रकार बन गया है, जो बहन बेटिया है अपने अनुभव को अपने वो करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही बात यहाँ पर आई है, संजली को कैसे न्याय मिलेगा, मीडिया में तो खबरें आनी नहीं है। और सिवाय एक संजली का सवाल नहीं है आपका, और सवाल उन सारी संजलियों का है जिसको हम न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। यदि इसके लिए हमें अपनी सूचनाओं को तैयार करना पड़ेगा, अपने किताबों को तैयार करना पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है अम्बेडकरवादी साहित्य घरों लेकर आए, उसका पाठन करें, उसको पढ़ने की कोशिश करें, तभी जागरण करें। ये झूठे जागरणों को जागरण कहते हैं, वीर सिंह घोष साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इनके यहाँ जो भंडारे हो रहे हैं, इनके यहाँ जो जागरण हो रहे हैं, झूठे जागरण है। अगर जागरण कोई हो सकता है तो ये जो इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं यही जागरण है, यही से मुक्ति मिलेगी, यही से हमारी पहचान बनेगी। और इसी की कड़ी में मैं अपनी अंतिम बात मैं कहूँगा, अधिकारों की पहचान हमें करनी है और अधिकारों को प्रयास लेने की भी हमें कोशिश करनी पड़ेगी। ये इतना प्राइवेटाइजेशन आ गया, हमले हो रहे हैं, GST एक्ट पर आरक्षण पर हमले हो रहे हैं। ये हमले पहली बात है, ये पिछले 5000 वर्षों से हमले सह रहे हैं और ये हमले और ज्यादा हमले आएंगे। जितने आप शिक्षित बनेंगे, जागरूक बनेंगे, ब्राह्मणवादियों के अंदर हमले आते रहेंगे। लेकिन एक अच्छी बात मैं बता, इन हमलों से अगर हम मुकाबला कर सकते हैं तो ये फूले अम्बेडकरवादी धारणा है और बहुजनों की ताकत है। आप देखिए जितने आप मजबूत बनेंगे ना, ये हमले करने वाले भाग जाएंगे, क्योंकि ये देश उनका देश नहीं, हमारा आपका देश है। इस देश को हम सशक्त बनाएंगे। हमारी अपनी पहचान जो है, मैं बड़ा विष्णु जी आगे उनका मैं स्वागत करता हूँ। इसलिए हमें इस देश को मजबूत बनाना है। इसलिए आप देखिए, ये देश की कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि वो देश इतना नहीं है, देश हमारा है, इसकी समस्या हमारी है, इसलिए समाधान भी हमें करना पड़ेगा। चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। ये कोई कवित्री उसकी कविता का अंश है, पश्मीना नाम से। वो कहती है कि सबके जाने के बाद सब बचे हुए हैं, कल जो मारे गए थे उनकी लाश बची हुई है, जो मारे गए थे बरसों पहले बची हुई उनकी कब्रें, जहां उम्मीद है वहां कुछ भी खत्म नहीं होगा। उम्मीदों को जगाना है, ब्राह्मणवाद को खत्म करना है और
खुले अमृतवादी धारणा विचार विचारधाराओं का प्रसार प्रसार करना है, यही जीवन है। मैंने अपनी बात को मुझे खत्म कर दिया है। जय हिंद।